रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आई एम मिस फरीहा, योर एसएसटी टीचर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल विल बी फाइन देयर। ओपन द पेज नंबर 94। वी कंटिन्यू आवर चैप्टर द गवर्नमेंट एंड द लॉ। गवर्नमेंट क्या होती है और लॉ क्या होती है, इसका क्या मकसद होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, हम ये स्टडी करेंगे आज इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, लॉज आर द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू कीप पीपल सेफ एंड टू हेल्प पीपल वर्क टुगेदर। जो लॉज होते हैं वो रूल्स कहलाते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं ये कौन बनाता है? ये रूल्स जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, ये उसका काम होता है कि वो लॉज को जो है बनाते हैं और इसको एनफोर्स करते हैं, यानी कि नाफिज करते हैं। बट हाउ डज द गवर्नमेंट मेक श्योर पीपल फॉलो द लॉज और रूल्स? ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरह मेक श्योर करती है कि लोग जो है इन लॉज को जो है वो फॉलो भी करेंगे और इसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे? तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है पुलिस ऑफिसर्स बनाए, एंड द कोर्ट सिस्टम हेल्प्स डिसाइड इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्रोकन अ लॉ एंड व्हाट द पनिशमेंट शुड बी। इसी तरह कोर्ट सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे 3 कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। दीज आर द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट का काम क्या होता है? कोर्ट का काम ये होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी शख्स जो है, कोई भी पर्सन जो है, वो उसने अगर लॉ को ब्रेक किया है, लॉ को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है, तो उसको पनिशमेंट की जाएगी, और किस तरह की पनिशमेंट की जाएगी ये कोर्ट का काम है। स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव लॉज इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में जो है वो लॉज क्यों ज़रूरी हैं, कानून क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर है, इफ़ देयर वर नो लॉज देयर वुड बी नो ऑर्डर इन सोसाइटी, थिंग्स वुड नॉट रन स्मूथली एंड देयर वुड बी नो जस्टिस। अगर किसी भी कंट्री में लॉ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो क्या होगा कि लोग जो है अपनी मर्जी पे चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, और कोई भी गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है वो स्मूथली जो है वो रन नहीं कर सकती, और उधर कोई भी जस्टिस नहीं होगा, यानी कि कोई इंसाफ नहीं होगा। इसलिए जो है वो आपकी कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्रीज़ में लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह व्हाट हैपन टू पीपल हु कॉट ब्रेकिंग द लॉ। जब कोई शख्स जो है या लोग जो हैं वो लॉ को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया है कि पुलिस जो है उनको अरेस्ट करती है, और अगर कोई बड़ा क्राइम होता है, बड़ा जुर्म होता है, तो उसको कोर्ट तक लेके जाया जाता है, और कोर्ट में जो है लॉज के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको जो है जस्टिस दिया जाता है, या फिर उनको गिल्टी पर्सन जो होता है उसको जो है वो पनिश किया जाता है। स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। नाउ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर और हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर है, द हेड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पिक्चर इज नेशनल असेंबली। व्हाट इज नेशनल असेंबली? अ लार्ज ग्रुप ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हु डिस्कस ऑल द लॉज एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स फॉर द होल कंट्री। जो आपकी कंट्रीज के इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं वो नेशनल असेंबली में डिस्कस किए जाते। स्टूडेंट, दीज आर द प्रोविंशियल असेंबलीज, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड KPK। ये चारों जो हैं हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, और ये अपने अपने प्रोविंस को, अपने अपने सूबे को लुक आफ्टर करती हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो शो की गई हैं, उनकी पिक्चर्स। सिंध, पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान के जो है आपके चीफ मिनिस्टर्स जो हैं इसमें हैं। सिंध के कौन है चीफ मिनिस्टर? सैयद मुराद अली शाह। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार। KPK के हैं महमूद खान, और बलूचिस्तान के हैं जाम कमाल खान।
आर न्यू वर्ड इज डेमोक्रेसी. वॉट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल. इसमें जो है अवाम की राय की रोशनी में फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, इसको जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं या जमहूरियत कहते हैं. स्टूडेंट्स, वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अ सेट ऑफ रूल्स विच एवरी वन इन द कंट्री मस्ट फॉलो. यानी कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो जितने भी कंट्री के लोग हैं उन सबको फॉलो करना होता है, इसको दस्तूर या आइन भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्शन. वॉट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज अ प्रोसेस. इलेक्शन जो है वो एक प्रोसेस होता है जो कि वोटिंग के जरिए डन होता है. और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो पीपल होते हैं, जो आवाम होती है, वो अपने राय के साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट को जो है वो इलेक्ट करती है. इसको इलेक्शन का. स्टूडेंट, कम टू योर फोर्थ असाइनमेंट. और फोर्थ असाइनमेंट में हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं. और इस असाइनमेंट में आप लोगों को नंबर 1 वर्क जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया गया है. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपेंड टू पीपल हु कॉट ब्रेकिंग द लॉ. जब कोई शख्स जो है वो लॉ ब्रेक करता है या कानून तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव लॉज इन अ कंट्री. किसी भी कंट्रीज के लिए जो है वो लॉज या कानून क्यों ज़रूरी होते हैं. ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं. आपका नेक्स्ट वर्क है वन वर्ड आंसर. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस को रीड करने के बाद आपको ये बताना होगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है. जैसे कि नंबर 1 है, अ सेट ऑफ रूल्स विच एवरी वन इन द कंट्री मस्ट फॉलो. दिस इज मीन्ड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी. तो इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. नंबर 2 है, द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि वजीर आला. नंबर 3 है, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू लुक आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट. नेशनल असेंबली जो मेंबर्स को अपॉइंट करती है और वो वेरियस डिपार्टमेंट यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लुक आफ्टर करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मिनिस्टर. क्या कहा जाता है? मिनिस्टर. और उर्दू में हम उसको वजीर कहते हैं. नंबर 4 पॉइंट है, द प्रोसेस बाय विच पीपल डिसाइड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो है जो लोग होते हैं, आवाम होती है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी या कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी. तो उसका आंसर है इलेक्शन. नंबर 5 है, द हेड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट के हेड कौन है? द प्राइम मिनिस्टर. नंबर 6 है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हु डिस्कस ऑल द लॉज एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स फॉर द होल कंट्री. जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स को जो है वो पूरी कंट्री की जो है वो डिस्कस करते हैं और लॉज को जो है वो बनाते हैं और पास करते हैं, वो क्या कहलाती है? कहाँ होती है वो? नेशनल असेंबली में. नंबर 7 है आपका लास्ट पॉइंट, नो लॉ कैन बी पास्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ दिस बॉडी. यानी कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कौन सी बॉडी है जिसके बगैर कोई लॉ पास नहीं हो सकता. तो उसका आंसर है द सेनेट. सेनेट को ऐवान बाला भी कहा जाता है और अपर हाउस भी कहा जाता है. यानी कि ये जो सेनेट है इसमें जो है जब तक कोई लॉ पास नहीं होता, जब तक जो है सेनेट अप्रूव नहीं करती है. और ये सब चीज़ें, ये सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर जो है वो समझा दिए हैं. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को असाइनमेंट 4 जो है वो समझ में आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.